यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि Zen Drago X ये तो यार से आबा हो गया। तो चलो वीडियो के अंदर। तो गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। और अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो आज एक्चुअली काफी सारी अपडेट्स हमारे पास आ चुकी है और कुछ अपडेट्स तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। तो बिना किसी फालतूगिरी के अपडेट्स की ओर चलते हैं। तो पहली अपडेट आई है फायर फोर्स एनीमे के बारे में। अगर आपने फायर फोर्स की एनीमे के बारे में नहीं सुना है तो भाई बहुत ही अमेजिंग एनीमे है भाई, बहुत कमाल की एनीमे यार ये, तो जरूर देख लेना। तो फायर फोर्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि फायर फोर्स की एनीमे को हिंदी में डब किया जा रहा है। जी हाँ, और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कंफर्म न्यूज है, क्योंकि इसके खुद के वॉइस एक्टर जिनका नाम फरहान पटेल है उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि फायर फोर्स की ये एक्चुअल में हिंदी में डब हो रहा है और ये आने वाली है नेटफ्लिक्स पर। तो मुझे पहले दो तीन पहले मतलब महीने पहले इसके बारे में पता चल गया था, बट तभी ऐसा कहा जा रहा था कि फायर फोर्स सोनी ये पर आने वाली है और सोनी ये वाले भी ऐसे कह रहे थे कि हाँ शायद से हम लाएंगे, बट अब शायद से इसके बाद नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीद लिए तो ये नेटफ्लिक्स पर मूव ऑन हो रही है। तो फिलहाल इसकी डबिंग चल रही है तो हमें ये हिंदी में शायद से अगले दो तीन महीने में तो देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, यानी कि नेटफ्लिक्स पहले लुकिज्म की एनिमे को वहाँ पर हिंदी में ला रही है और इसके बाद अब फायर फोर्स जो कि एक बहुत बड़ी टाइटल है इसे भी हिंदी में अवेलेबल कर रही है। सो दैट इज़ नाइस, थिंग्स आर लुकिंग गुड। तो भाई अगर तुम्हें हिंदी में देखना पसंद है एनिमे तो भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अब भी ले लो यार, क्योंकि बहुत मज़ेदार एनिमे वहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ क्रंची रोल भी बहुत कुछ ला रहा है। सो दैट इज़ नाइस यार, एनिमे फैंस की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही है इंडिया में। हमारी अगली अपडेट है बेब्लेड बर्स्ट के बारे में। तो अगर आप बेब्लेड बर्स्ट को मिस कर रहे थे तो टेंशन मत लो क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट का मैराथन सुपर हंगामा पर आने वाला है कल सुबह 9 बजे से। अब ये 9 बजे से रात तक होगा या शाम तक होगा मैंने वो चेक नहीं किया, बट हाँ बहुत सारे एपिसोड्स बैक टू बैक आते जा रहे हैं। सो अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो। हालांकि मैं अभी भी यही कहूँगा कि काश अगर डिज्नी वाले बेब्लेड बर्स्ट राइज ला देते जो वो लोग अभी तक दिखा कर खत्म भी कर सकते थे अगर उन्होंने जब प्रोमो दिखाया था उस डेट पर ला देते, बट नहीं उन्होंने वो नहीं किया। सो यार पता नहीं बेब्लेड बर्स्ट राइज अब कब आएगा। तुम्हारे क्या ओपिनियंस है उस बारे में ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। हमारी अगली अपडेट है माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 और स्पाय एक्स फैमिली सीजन 1 पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं आज, यानी कि अक्टूबर 1 को उन्होंने डेट बताई थी। तो पता नहीं कब आएंगे क्योंकि मैंने आज सुबह नेटफ्लिक्स ऑन किया था कॉलेज जाते जाते और मैंने सीज़न 6 के लिए देखा, माय हीरो एकेडमिया और स्पाइक्स फैमिली सीज़न 1 पार्ट 2 के लिए चेक किया, बट वहाँ पर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे। पर वहाँ पर दिखा रहा था कमिंग दिस सैटरडे और सैटरडे अक्टूबर 1, तो पता नहीं वो कब तक अवेलेबल होंगे, यानी कि मेरे ख्याल से आज शाम तक तो शायद से अवेलेबल हो जाएंगे। तो भाई देखते रहना क्योंकि मैं तो इन दोनों सीरीज़ को बिंज करने वाला हूँ। मैं सीज़न 6 एक्चुअली नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली सारे एपिसोड्स खत्म होने के बाद एक साथ एक दिन में देख लूँगा। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, क्या तुम बिंज करना पसंद करते हो या वीक में एक एपिसोड देखते हो, वो मुझे कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग Zen Drago X.